गर्मी ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। बिहार में इस समय तपती गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा। भीषण गर्मी से स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। बड़ी खबर आपको बिहार से बताए, जहां प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शेखपुरा में प्रचंड गर्मी का प्रहार, मिडिल स्कूल मनकौल में कई बच्चे बेहोश हो गए। लगातार तपिश का दौर जारी है, पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लोग परेशान है। एक तरफ यानी कि लगातार पारा हाई हो रहा है, तो दूसरी ओर बच्चों को भी इसका सतम झेलने को मिल रहा है। जहां आपको तस्वीरें भी दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार पारा हाई होता जा रहा है और लोगों के ऊपर सतम बरस रही है। अनुराग, जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही है, उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं जी, किस तरीके से बिहार के एक स्कूल की तस्वीरें हैं, जो शेखुपुरा जिले में है, अरियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मध्य विद्यालय मनकौल आता है, यहाँ की तस्वीरें हैं। जहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर है वो कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। करीब 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जो इतनी गर्मी नहीं लोगों ने झेली है। और इस बीच अगर स्कूल खुले हुए हैं तो छात्र छात्राओं की ये स्थिति कुछ हमारे से दिखती है कि तमाम छात्र छात्राएं जो थी गर्मी की वजह से वो बेहोश होने लगे, किसी को चक्कर आने लगे लोगों को। अनुराग, इस तरह से तपिश का दौर है, इस बीच स्कूल खोल दिए जा रहे, क्या कुछ इंतजाम नहीं किए गए थे? अनुराग, गर्मी से बचाव के उपाय सारे नाकाफी साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है जी। और जिस तरह से इस समय समर वेकेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन समर वेकेशन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से छात्राएं भी मजबूर थी स्कूल आने के लिए, और स्कूल में जिस तरह से वो अव्यवस्था का शिकार हुई, लगातार धूप से आना जाना उनके लिए दिक्कत भरा था, और स्कूल में भी ऐसे इंतजाम नाकाफी थे जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में तमाम छात्राएं हैं जो जिनको सरदर्द जैसी शिकायतें हैं, या फिर जिनको चक्कर जैसी स्थिति में है। फिलहाल छात्रा की स्थिति क्या बताई जा रही है अनुराग? हाँ देखिए, करीब 14 ऐसी छात्राएं हैं जिनको बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनको स्कूल से ले जाके अस्पतालों में रखा गया है। स्थिति उनकी स्थिर है, लेकिन फिर भी जिस तरह से गर्मी बेहोशी है उसको लेकर के प्रशासन को तमाम जो इंतजाम करने चाहिए थे वो नाकाफी रहे, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। जाहिर तौर से जिस तरह के हालात हैं उसमें इन बच्चों की छुट्टी की जानी चाहिए थी ताकि ये स्थिति सामान्य बनी रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस भीषण गर्मी में इंतजाम जितने भी किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, स्कूल की तरफ से, नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक बड़ी उम्मीद ये है कि स्कूलों में छुट्टी हो जाए तो बच्चों को जरूर राहत की सांस देते जी। नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। दबंगों के हौसले बुलंद, यानी कि लगातार मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। बालाजीपुरम चौक इंचार्ज से अभद्रता की, यानी कि खाकी का भी अब खौफ, यानी कि अब दबंगों में नहीं दिख रहा है। गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। लगातार आपको बता दें कि मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की लगातार तलाश जारी है। आपको बता दें कि लगातार बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं कि अब खाकी का भी खौफ नहीं है। अब खाकी भी इन दबंगों के निशाने पर आ चुकी है, जहां दबंगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हालांकि मामले में एक्शन लिया गया, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों की तलाश जारी है। बालाजीपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसमें वहां मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। जो जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी को भी सीज करेंगे। जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीरज अपनी मोटरसाइकिल पर लाल रंग की पैजन या कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल थी, और दिनेश चौधरी स्कूटी से आ रहा था। एक दूसरी साइड से सैयद साइड से, मतलब जो फॉर्चुनर गाड़ी आती है सफ़ेद कलर की, जिसको वीके सनोप धर्मवीर का लड़का चला रहा था, उसने मतलब जो उसमें टक्कर मारी, वो कूद के गिर पड़ा था। दिनेश
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस्ड न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति, बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। babasahibshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821 72। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल दरभंगा कॉलोनी लाउदर रोड प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज जहाँ होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। सर्च करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज, अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने